हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिर से एक नई लोन एप्लीकेशन लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन में आपको 20,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और वो भी केवल आधार कार्ड और एक पैन कार्ड और एक सेल्फी के बेस पे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस एप्लीकेशन में अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप दिखाया है और मुझे लोन मिल भी गया है। ठीक है, तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कैसे इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन बोल रहा है कि आपको SMS की, स्टोरेज की, कैमरा की, आपने कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, सारी चीज़ों की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों का रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी लोन देती है तो आपके फ़ोन की परमिशन ज़रूर मांगती है। ठीक है, तो अगर आप इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम लोन अमाउंट 20,000 रुपये, लोन टर्म यहाँ पे दिया गया है 92 डेज से लेकर 120 दिन के बीच में मिलेगा, यानी कि 92 दिन से लेकर 120 दिन के बीच में आपको कोई भी टेनोर मिल सकता है। वो तो अभी पता चलेगा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितने दिन का टेनोर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना है। चलिए हम फटाफट यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। हमें यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है, और उसके बाद हमारे नंबर पे OTP आएगा। OTP हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ OTP। तो दोस्तों, OTP आ चुका है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, OTP हमने जैसे डाला, OTP को ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया गया है। अभी हमें यहाँ पे फिर से अप्लाई पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर लोन अमाउंट आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2,000 रुपये से लेकर आप 20,000 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट एक चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको 20,000 ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो टेनोर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो टेनोर भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको 90 दिन का टेनोर चाहिए या फिर 120 दिन का। तो मैं इसको भी 120 दिन ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है लोन पर्पस, आप किस वजह से लोन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हॉलीडे ट्रैवल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्पर्सल अमाउंट है वो है 17,200 रुपये। ठीक है, 20,000 में से केवल आपको 17,200 रुपये मिलेगा, और रीपेमेंट अमाउंट है इसका 22,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 5,200 रुपये कंपनी हमसे एक्स्ट्रा यहाँ पे ले रही है, यानी कि अगर आपको 17,200 रुपये का लोन लेना है अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको 5,200 रुपये एक्स्ट्रा मिला के रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल रीपेमेंट आपकी बनेगी 22,400 रुपये। तो सीधी सी बात है, चलिए हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है पैन कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक। ठीक है, चलिए हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड किया, हमारा नेम, हमारा पैन नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। चलिए अभी हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक की। चलिए हम फटाफट इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो हमने जैसे अपने आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे अपलोड किया, हमारा नेम, हमारा आधार नंबर, हमारा जेंडर फिर से ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अभी हमें यहाँ पे फिर से ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेटर सक्सेस बता रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारी सेल्फी देने की बारी आती है, मैं यहाँ पे अपनी सेल्फी दे देता हूँ। प्लीज ओपन योर माउथ ऑन द बैंड, प्लीज टर्न हेड लेफ्ट, प्लीज। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड किया, तो यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि मेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैरिज स्टेटस, नंबर ऑफ चाइल्ड यानी कि आपके कितने बच्चे हैं, फैमिली मंथली इनकम। ठीक है, होम एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, फुल एड्रेस यानी कि आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड, यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड देना है। ठीक है, तो अभी नीचे आने के बाद यहाँ पे वर्क टाइप है, मंथली इनकम है, और यहाँ पे पे डे है। पे डे मतलब आपकी सैलरी किस डेट को आती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम फटाफट ये सारी डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद आगे की डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने अपने सारी डिटेल को फिल कर दिया है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों अभी हमारे सामने आ चुका है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो दो लोगों का नेम, मोबाइल नंबर और उनके साथ आपके रिलेशन क्या है वो बताना है। चलिए हम फटाफट बता देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर दिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है बैंक कार्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि अकाउंट की डिटेल। तो नेम हमारा पहले से पड़ा हुआ है, बैंक नेम यहाँ पे बताना है, आईएफएससी कोड देना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है, यूपीआई आईडी कोई भी आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं। चलिए चलिए हम यहाँ पे फटाफट ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल, यूपीआई आईडी वगैरह सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट सेकंड, वी हैव ऑलरेडी रिसीव योर एप्लीकेशन एंड विल रिव्यू सून, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है कि हमें कितना अमाउंट मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमें टोटल 4600 का अमाउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम 1000 तक घटा भी सकते हैं, अगर मुझे 4600 नहीं लेना है तो हम इसको 1000 भी कर सकते हैं लेने के लिए, ठीक है, लेकिन 1000 से नीचे नहीं कर सकते। रही बात यहाँ पे टेनोर की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ केवल 7 दिन का टेनोर दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आ चुका है लोन पर्पज़, तो हमें यहाँ पे लोन पर्पस चूज़ करके यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने हॉलीडे ट्रेवल चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है डिस्पर्सल अमाउंट है हमारा 3221 रुपये और हमें पेमेंट करना पड़ेगा 4632 रुपये। दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको कम से कम लगभग 1300-1400 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा कंपनी को देना पड़ रहा है, अगर आप इस कंपनी से लोन लेते हैं तो, ठीक है। तो अभी मैं अगर लेना चाहूँ इस कंपनी से तो 4600 रुपये मुझे मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कंपनी का नाम है क्रेडिपे, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वैसे इसका लोगो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर में जाके फटाफट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने क्रेडिपे के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताया है कि आप इस एप्लीकेशन से लोन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल अभी भी बचा हुआ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।